नमस्कार मैम, आपका नाम? शिवानी सर। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? मुझे 8 साल हो गए। मैम काफ़ी समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपने। हाँ, काफ़ी नज़दीक से डेरे को देखा होगा, गुरुजी को देखा होगा, तो बताइए किस तरह की सुरक्षा यहाँ महिलाओं को दी जाती है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आके कोई डर या कुछ भी ऐसे फील नहीं होता कि हमें किसी भी तरह का कोई डर है। सुरक्षा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो लड़कियों को फील होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन डेरे में आके ऐसा कुछ भी डर नहीं रहता है मन में। अगर घर से भी बात हो जाए तो ऐसा रहता है कब डेरे जाए, वहाँ रहने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। मैं सेवा में भी आई हूँ, हफ्ता भी लगाया था, अब गुड़िया छोटी है इसलिए नहीं, थोड़ा कम आया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुझे सुरक्षा फील होती है। बाहर किसी भी जगह से ज़्यादा यहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे ज़्यादा रहा जाए। तो क्या आप आगे भी गुरुजी से जुड़ी रहेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये कोई मन में ऐसा बात नहीं है कि ना जुड़े वाली, तो कोई भी मन में ऐसी बात नहीं है। आज भी आपका इतना विश्वास गुरुजी के ऊपर है, इसका क्या कारण है? मैंने जो भी अगर मन में भी महसूस किया है कि ये हो तो मिला है गुरुजी के बारे में। हालांकि मुझसे इतना सिमरन वगैरह नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर मन में कुछ भी सोचूं या कुछ मुझे पहले ही, जैसे मेरा कोई सामने करने वाला हो, अगर हमारे फादर हो वो कर देते हैं, बच्चे के मन की बात सुन लेते हैं, ऐसे ही मेरे ये पिताजी के साथ जुड़ चुकी हूँ कि जो भी मैं फील करती हूँ, मुझे जो भी ऐसे लगता है मेरे लिए अच्छा होता है, वही होता है, पिताजी वही करते हैं सारा कुछ। क्या शिक्षा दी है गुरुजी ने आपको? यही शिक्षा दी है कि अपने बड़ों का सम्मान करो, किसी भी अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो, कोई बीमार है, कोई गरीब है, बुजुर्ग है, जितना भी हो सके किसी की हेल्प हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, ये शिक्षा दी है गुरुजी ने। आज गुरुजी को समाज में होना चाहिए? हाँ, वो कमी थोड़ी फील होती है, लेकिन अंदर तो वो है, हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कि यहाँ पे आए तो समाज का थोड़ा और सुधार हो सकता है अगर पिताजी यहाँ पे हो हमारे बीच। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो उसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ रहा है? समाज में अगर अब उसके बाद ही आप देख लीजिए, कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हादसा हो गया, या अब देख लो इतना, पहले मैंने जब से डेरे के साथ जुड़ी हूँ इतना कुछ नहीं देखा, जब से पिताजी गए हैं तब से देखा है समाज में, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे ये, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शांति वगैरह ऐसे रही नहीं है समाज में कुछ भी। बहुत सारे इल्ज़ाम गुरुजी के ऊपर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप गुरुजी को मान रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर किसी भी सच्चे इंसान के, आप किसी को भी लगा लो, पिछले लगा लो किसी संतों को, एक बार तो ये ऐसा होता है बाद में ही पता चलता है अगर कुछ दिखता है, इसी के साथ जुड़े हुए हैं हम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठे इल्ज़ाम तो दुनिया हमेशा ही लगाती रही है सच्चे इंसान। बहुत ज़्यादा गुरुजी की फ़ैन फॉलोइंग थी, गुरुजी को लोग मानते थे, वो आज भी मान रहे हैं? हाँ, आज भी मान रहे हैं, मेरे एरिए में जितने भी हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सभी मान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं मान रहा जा डेरे में नहीं आना चाहता। अगर कोई रोक लगा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आना हर कोई चाहता है डेरे में, पिताजी के साथ सभी जुड़े हुए हैं। जी मैम, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं यही मैसेज लगाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो पिताजी के बारे में बोल रहे हैं या कुछ भी, यहाँ पे आते हैं हम, देखा है सब कुछ, जो भी होता है समाज के सुधार के लिए ही होता है, इसलिए ऐसी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि हर कोई बोलता ही है ऐसा, तो किसी भी अगर हमें देखते हैं समाज सुधार के लिए कोई कर रहा है तो उसे लोग पीछे हटाना ही चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके डेरे के साथ जुड़ें और आएँ, यहाँ पे देखें, अपनी आँखों से देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या सच है और क्या लोग सच बोल रहे हैं कि यहाँ का सच है, तो खुद आने के बाद ही महसूस हो सकता है किसी को। जी मैम, गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप? गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं है, अगर उन्हें दिख रहा होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। किसी भी इंसान, अगर किसी के में हिम्मत है तो वो 10 इंसान को भी अपने पीछे नहीं लगा सकता, अगर किसी को कुछ दिख रहा है तभी इतने फॉलोवर्स हैं। जी मैम, फिर उनको जब ऐसा दिख ही नहीं रहा उनको क्या अपील करें, उनसे कोई अपील नहीं है।